हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड पे। सो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। और आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से आप लोगों के लिए वीडियोस क्यों नहीं बना पा रहा था और आप लोगों को जो नॉलेज थी वो क्यों नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था। तो गाइस, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ये वीडियोस अभी अपलोड कर पाऊँ। तो अब मैं थोड़ा बहुत फ्री हुआ हूँ तो मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है बनाना आप लोगों के लिए। हाँ गाइस, मैं जो मेरे क्लाइंट्स थे उन लोगों को तो मुझे डेली कॉल्स प्रोवाइड करानी पड़ती थी, पर जो यूट्यूब था और जो अलग से टेलीग्राम चैनल्स और वो सारे पेजेस थे गाइस, उस पर मैं ज़्यादा भी फोकस नहीं कर पा रहा था। पर अब मैं आपसे दोबारा फोकस करूँगा। अगर हम बात करते हैं कि गाइस ज़्यादा ये बातें ना करें, अब आगे की बात करें तो थर्सडे एक्सपायरी जो कल है उसके बारे में हम बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि मार्केट इतनी अच्छे तरीके से मूवमेंट दिखा रही है, इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ गई है, 12,000 के लेवल तक पहुँच चुकी है, सेंसेक्स को 40,000 के ऊपर तोड़ चुकी है। तो अब गाइस हमें देखना है कि मार्केट में किस तरीके से काम करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स पे मार्केट पहुँच चुकी है और हम हमेशा देखते हैं इन लेवल से हमें एक ना एक टाइम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है। किस तरीके से ट्रेड करते हैं उसकी बात करते हैं। कल थर्सडे एक्सपायरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या आज की तरीके से जो 500-550 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट आई है, क्या दोबारा ऐसे हम एक अपॉर्चुनिटी को लेकर चल सकते हैं या नहीं लेकर चल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और कौन से स्टॉक स्पेसिफिक है जो हमें कल के ट्रेडिंग के लिए हमें बाय या शॉर्ट करने चाहिए, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। प्लस हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को भी देखेंगे और देखेंगे क्या ऐसा कुछ बन रहा है कि हम आपको बाय या सेल सिग्नल इनिशिएट करवा, वहीं पर ही आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं डिविस लैब, शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। 1673 इसका CMP है, तो 7-8 रुपये अगर आपको कल ये मार्केट पे ऊपर मिलता है जो कि हाई बना सकता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आप इसके अराउंड 1680 या 1680 के आसपास आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 1671-1660। स्टॉप लॉस आपको 1693 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। डिविज लैब हमारे क्लाइंट्स के लिए भी आज शॉर्ट था, 1680 पे ही शॉर्ट था और 1658-1660 का टारगेट था जो कि अचीव हो गया था गाइस। तो ये अभी भी एक शॉर्ट है क्योंकि पर्टिकुलरली 1680 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक करा, और हमने देखते थे कि ब्रेक करता था पर क्लोजिंग उसके ऊपर देता था, पर आज हैवी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स के साथ इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तो इसलिए एक शॉर्ट इनिशिएट करा जाता है। सिप्ला अदर साइड अगर हम बात करें तो एक फार्मास्यूटिकल की बात करें तो सिप्ला ऑन द अदर साइड बाय बनता है 448 इसका CMP है। अगर आपको ये 448-447 के आसपास मिलता है तो बाय करिए फॉर स्टॉप लॉस ऑफ 443 क्लोजिंग बेसिस। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आपको 452-458, कल और परसों दो दिन के अंदर आपको 458 तक के टारगेट्स भी सिप्ला के अंदर अचीव होते हुए देख सकते हैं। कोटक बैंक बेस्ट स्टॉक है, पर्टिकुलरली एक चैनल से ब्रेकआउट दिया, फ्लैग एंड पोल बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न से इसने एक ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो गाइज 1590 जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करेगा, जब तक क्लोजिंग बेसिस के अंदर इसके नीचे बंद नहीं देता तब तक ये एक फ्रेश बाय है, आप बाय कर सकते हो उसे। हर डिप पे 1590 के ऊपर कभी भी बाय कर सकते हो उसे। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के इंट्राडे के लिए मैं आपको वो बता रहा हूँ, 1616-1624, पर बाय साइड मुझे लगता है कि ये 1650-1660 तक जा सकता है इस एक्सपायरी से पहले पहले तक। सो एक ये बाय काउंटर है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर्टिकुलरली एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा है 235 के नीचे की शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी, और अभी भी हम इसे एक शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसकी क्लोजिंग जो 218 के आसपास हो रखी है, तो बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो एक वॉलेटाइल स्टॉक है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर बहुत ज़्यादा नीचे खुलता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर खुलता है तो बहुत तेज़ी से नीचे जाता है, जैसे कि आपने आज भी देख लिया होगा। तो कल अगर आपको ये 2-3 रुपये ऊपर मिल जाता है तो गाइस शॉर्ट करिए, स्टॉप लॉस आपको 226-227 के आसपास रखना है। 214-210 तक के टारगेट्स जो मुझे लगते हैं कि वो दिखा सकता है, और 210 पे आपको उस पर्टिकुलरली पोजीशन से या 210 के आसपास पर्टिकुलरली पोजीशन से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर वो पैटर्न का जो एक कंफर्मेशन है वो मिल जाएगा, वहाँ पर हम अब डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से मूवमेंट लेनी है। तो अभी के लिए फिलहाल ये शॉर्ट है फॉर अ टारगेट ऑफ 210 इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। टाटा एलेक्सी भी शॉर्ट है, हमने अपने क्लाइंट्स को भी एक शॉर्ट की रिकमेंड दी है पर्टिकुलरली स्टॉक में, और हम देख सकते हैं कि ये एक काउंटर है जो कि मुझे लगता है कि 770-760 तक के लेवल्स तक जा सकता है। सो आप इसे एक शॉर्ट कर सकते हैं, 792 इसका CMP है और 785-779 के नीचे
तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल इंट्राडे पे, ये हमें दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 806, ये अगर आप थोड़ा इसक ले सकते हैं तो थोड़ा हायर लेवल्स पे भी आप इसको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ 814 का। सो गाइज ये 5 स्टॉक्स कल आपको इंट्राडे या एक दो दिन के पर्पज से आपको दे दिए गए हैं, आप पर्टिकुलरली इस पर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और गाइज अब मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आने वाला हूँ, शायद आज रात तक या आपको कल तक अपलोड होते हुए दिख जाएगी, जिस पे आपको बताया जाएगा एक पर्टिकुलरली सेक्टर के बारे में जो अभी थोड़ा बहुत गिरेगा, और वो कौन से वो उस सेक्टर में से हम कुछ 3 या 4 स्टॉक्स चुनेंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि वो अगर आपको इस डिप पे मिलते हैं या अगर आपको इस एग्जैक्ट प्राइस पे मिलते हैं तो आपको उन्हें उस बाय प्राइस पे बाय करना है, और वहाँ पर आपके जो टारगेट्स होंगे वो बहुत हायर होंगे, और क्या टाइम पीरियड होगा वो भी आपको बताया जाएगा। 1 महीने से ऊपर का आपको कोई भी टाइम पीरियड का स्टॉक नहीं दिया जाएगा जो कि आप एक्सपायरी के अंदर अंदर ही ट्रेड कर पाएँ और प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। तो वो पर्टिकुलरली सेक्टर के अंदर 3 पर्टिकुलरली ऐसे स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। अब हम बढ़ते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स क्या शो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा निफ्टी 50 के चार्ट्स पे, जिस पे मैं अर्ली चार्ट ओपन कर देता हूँ, और अर्ली चार्ट पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 लाइनें ड्रॉ करी हुई है, 3 ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करी हुई है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस शो कर रही होंगी आपको। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट अपर लाइन है वो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस शो कर रही है, बीच की जो मिडिल लाइन है वो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों शो कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर इस लेवल से ऊपर आई, सब रेजिस्टेंस फेस करा, नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, यहाँ नहीं अपने आप को इस लाइन के ऊपर जा पाई, कोशिश करी जाने की पर दोबारा नीचे आ गई, और हमने देखा एग्जैक्ट फिर इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा, दोबारा नीचे आई, 2 बार यहाँ सपोर्ट आप देख सकते हैं, और अब आप देख सकते हैं जब लाइन को तोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर रही तो इस लेवल पर भी यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा। नेक्स्ट जो लास्ट लाइन है वो भी आप देख सकते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं यहाँ सपोर्ट हमें देखने को मिला, ये जो एक हम देख रहे थे कि एक गैप अप ओपनिंग हुई थी उस वहाँ पर भी एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला, और आज इंट्राडे पे पर्टिकुलरली उस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। हम देखते थे कि ब्रेक करता था पर उसके नीचे वो क्लोजिंग नहीं देता था, सिर्फ एक विक को हम देखते थे कि ये जो विक है इस लाइन जो ये हम देखते हैं शैडो को हम विक कहते हैं। सो गाइस कोई भी हम नाम दे सकते हैं, तो ये जो शैडो ही नीचे आती थी इस लाइन के, और हम देखते थे जो बार है जो बॉडी है वो क्लोज होती थी उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि जो 2 बॉडीज हैं हमने देखा कि इसके नीचे ही क्लोज होते हुए दिखी है। तो कल किस तरीके से ट्रेड लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ, कल क्या ट्रेड होगा किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है वो है 11,860 का लेवल। 11,860 के लेवल के ऊपर अगर आधा घंटा क्लोजिंग कर देता है तो हम बाय कर सकते हैं। बाय करने के जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे 11,945 या 950 का लेवल होगा, जो कल मुझे लगता है इंट्राडे पे दिखा सकता है। 11,950 एक हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, और हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो आप जैसा कि जानते हैं हमारा सेकंड रेजिस्टेंस हो सकता है 11,990 का और 12,020 का। सो गाइस 3 आपको मैंने बाय के लेवल्स टारगेट्स बताया, पहला टारगेट आपको जो मेंटेन रखना है वो रखना है 11,940 का, दूसरा टारगेट होगा 11,980 का, और थर्ड टारगेट होगा 12,020 का टारगेट। कब बाय करना है? जब बाय करना है जब ये आपको मिलेगा 11,860 के ऊपर, 30 मिनट्स चार्ट के ऊपर हम क्लोजिंग देखें ग्रीन कैंडल के साथ, और बॉडी के ऊपर इस लाइन के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग होनी चाहिए तभी हमें बाय करना है 30 मिनट्स के बाद। अगर आपको ये 900 या अगर आपको थोड़ा और पास में मिलता है तो भी ऊपर मिल जाए तो भी बाय करिए, ये मत सोचिए कि थोड़ा ऊपर मिल गया मैं वेट कर लूँ, ऐसा ना हो कि आपकी अपॉर्चुनिटी निकल जाए, तो आप इस पर एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं। पर हमें अगर ये दोबारा 11,860-870 तक जाता है, 880 तक भी जाता है, पर आधे घंटे के अंदर दोबारा देखते हैं कि जो ऊपर विक बना के नीचे क्लोजिंग कर रहा है तो हम वेट करेंगे। शॉर्ट की बात कर रहा हूँ मैं गाइस, अब बाय की बात नहीं कर रहा हूँ, बाय के लेवल्स और कैसे बाय करना है वो मैंने आपको बता चुका हूँ, और आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा वो आपको 770 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा, 11,770 का, ठीक है गाइस। अब हमें किस तरीके से शॉर्ट में ट्रेड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो बाय के लेवल्स आप नोट कर चुके होंगे। शॉर्ट में हमें किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना है, निफ्टी को ट्रेड करना है कि गाइज अगर आपको कल ये मार्केट पे फर्स्ट आधे घंटे की हम बात कर रहे हैं, आधे घंटे की 45 मिनट्स की, अगर ये आपको आधे घंटे 45 मिनट्स में 11,880 11,870 पे आपको मिलता है, यानी कि इस लाइन के ऊपर मिलता है,
पर हम देखते हैं कि आधे घंटे के बाद जब हम क्लोजिंग होती है 30 मिनट्स कैंडल की, जो 30 मिनट ये 1 आवर की एक कैंडल बनती है, वैसे 30 मिनट्स की भी ये कैंडल बनती है, अगर वो कैंडल इसके नीचे बंद होती है, ये बॉडी इसके नीचे बंद होती है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ ये जो लाइन है, ये पर्टिकुलरली लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो हम नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी 30 मिनट्स के बाद, हम वहाँ पर एक शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट लेंगे और हमारा जो एक स्टॉप लॉस होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा 11,950 का हमारा स्टॉप लॉस होगा ये, और हमारा जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, वो हमारा पर्टिकुलर टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं जो कि होगा 11,700 का, 11,720 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ, जो कि मुझे दिखाता है कि निफ्टी दिखा सकता है कल या परसों के अंदर अंदर। देखिए गाइस, आपको कम से कम अगर मैं आपको बताऊं तो 1:3 का आपको एक रेशियो मिल रहा है, ना कि 1:1 का प्रॉफिट रिस्क टेकिंग प्रॉफिट रेशियो। आपको जो मैं बता रहा हूँ, 50 रुपये का अगर आपको एक स्टॉप लॉस मिल रहा है तो 100 रुपये का आपको टारगेट भी मिल रहा है उस पे हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप 11,860 पे अगर आप एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करिए, शॉर्ट करिए, तो वहाँ पर आपको सीधा 160 पॉइंट तक के टारगेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, 150 पॉइंट तक के टारगेट्स भी आपको बता रहा हूँ, जो 1 से 2 दिन के अंदर अचीव हो सकते हैं। सो इस बात को गौर करिएगा, किस टाइम बाय करना है, किस टाइम शॉर्ट करना है, वो 30 मिनट्स की कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनेगी वो हमें बताएगी। तो 30 मिनट्स की कैंडल को मैं हर वीडियोस पे आपको पहले बताता था, फोकस्ड ऑन 30 मिनट्स कैंडल, वो आपको बताएगी कि कैसे हमें किस लेवल पे बाय करना है। गाइस, सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर्स लॉस करते हैं, वो लॉस करते हैं जो ये लाइन बनती है, ये शैडो की वजह से सबसे ज़्यादा लोग हम देखते हैं कि लॉस बुक करते हैं, क्योंकि ये शैडो कन्फ्यूज करती है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गई, इंट्राडे पे गई, तो ये जो बॉडी है वो भी ऊपर जा रही होगी, पर एट द एंड ऑफ टाइम जब क्लोजिंग हुई तो वो नीचे गई, तो हमें फूल बनाया और यहाँ पर हमें अपने एक लॉस बुक करने को मिल सकता था। आप देख सकते थे, अगर मैं इस लाइन के ऊपर बाय करता, यानी कि अगर मैं 12,024 के ऊपर बाय करता, मैं सोचता कि इस लाइन के ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिला, मैं बाय करूँगा, वो 12,024 से गया 12,033 और क्लोजिंग कहाँ पर दी इसने, एग्जैक्ट दी 11,970-980 पे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से शैडो लोगों का सबसे ज़्यादा लॉस करवाती है। इसलिए कहता हूँ 30 मिनट चार्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगली जो कैंडल बनती है उसकी वो हमें बताती है कि किस तरीके से हमें कब ट्रेड लेना है, तो इस पर फोकस करिए। दूसरी बात, मैं अब इसका अगर डेली चार्ट ओपन करना चाहूँ और मैं एक सपोर्ट की लाइन ढूंढना चाहूँ कि हमें एक सपोर्ट की लाइन नीचे से कैसे मिल रही है, तो मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। देख सकते हैं, मैं एक सपोर्ट की लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर इसमें 1 आवरली चार्ट में जाता हूँ और तब मैं देखता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट यहाँ पर भी इसने एक रेजिस्टेंस फेस करा, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, नीचे आई, ऊपर गया, अपने इस रेजिस्टेंस को फेस कर और दोबारा नीचे आ गई। तो मार्केट अब हमें इस सिनेरियो में क्या सजेस्ट कर रही है, सिनेरियो में सजेस्ट कर रही है कि प्रोबेबली हो सकता है कि एक बार और, प्रॉबेबली मैं आपसे कह रहा हूँ 50-60% या 40% चांसेस है कि एक बार शायद दोबारा निफ्टी 11,950 के आसपास जा सकता है, और वहाँ पर हम शायद एक बार अगर हमें इस लेवल के ऊपर मिलता है तो हम एक बार अपनी 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अगर हम बाय साइड में हैं तो। अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में कि जैसा आप देख सकते हैं, मैंने डेली चार्ट ओपन करा हुआ है। डेली चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने अप्रैल पे जो इसने हाई मारा था, अप्रैल से लेके जो हाईज को मैंने अगर मिलाता अपनी ट्रेंड लाइन के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था। जी गाइस, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था कल, जब ये मंडे को, ये जो ग्रीन कैंडल है ये मंडे की क्लोजिंग है, तो आज हमारे लिए एक परफेक्ट शॉट बनता था पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर, तो जो कि मैंने 30,900 की पुट ऑप्शन भी कल की एक्सपायरी वाली बाय करी थी, जिसमें मुझे डबल का प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं 200 की कॉल जो मैंने बाय करी थी वो 400 रुपये तक भी गई थी गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 30,000 की पुट बाय करी थी, वो आज जो क्लोजिंग दिया 30,550 की दिया, पर मेरा यहाँ तक का टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट था कि 680 तक का ही मेरा टारगेट था, जो कि मुझे लगता था कि वो अचीव हो जाएगा आज या कल के अंदर, जो कि आज के आज ही अचीव हो गया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। दूसरी बात, आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलरली एक वेज टाइप पैटर्न बन रहा है,
अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि एक लाइन में से और नीचे एक्सटेंड करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं एक वेज टाइप पैटर्न बन रहा है। तो अगर इसके ऊपर बंद होता है, यानी कि अगर ये 31,300 के ऊपर अगर ये जाता है, तो एग्जैक्ट यहाँ से हम 500 से 600 पॉइंट की एग्जैक्ट मूवमेंट देखेंगे। या फिर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलरली ने इस लाइन के नीचे ही अपनी क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलरली एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है और यहाँ से एक लोअर लेवल्स बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। तो अब हमें बढ़ते हैं अपने आली चार्ट की तरफ और उस पर स्टडी करते हैं कि क्या बता रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको क्लियरली मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मेरा परफेक्टली एक यहाँ पर एक शॉर्ट बनता था, तो मेरे को जैसे ही ट्रेंड लाइन के आसपास मिला, मैंने अपने इस ट्रेंड लाइन पे शॉर्ट पोजीशन नहीं इनिशिएट करी, मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करी। जब वो इस लेवल के आसपास आया, इस लेवल के नीचे जब गया, जो मेरी ये वाली ट्रेंड लाइन थी, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन थी, जब वो उसके नीचे गया, इंट्राडे की शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो जैसे ही 30,900 को तोड़ा, मैंने अपनी पोजीशन को पुट पोजीशन को ले लिया, मैंने बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर लिया। और वहाँ से जो मेरा टारगेट था, वो एग्जैक्ट टारगेट था मेरा 30,680 का टारगेट, जो मुझे लगता था प्रोबेबली अचीव हो जाएगा, जो कि अचीव हो गया था। उसके बाद जब मैंने देखा कि आली चार्ट पे ही उसके नीचे क्लोजिंग दे रखी है, तो अब मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी दोबारा कहाँ तक जा सकता है, बैंक निफ्टी की आप सबसे पहले क्लोजिंग देखिए कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 30,550 पे। तो बैंक निफ्टी एक बार मूवमेंट दोबारा दिखा सकता है, कहाँ तक, 30,750 तक, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट की मूवमेंट एक बार बैंक निफ्टी दोबारा दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक बार रेजिस्टेंस फेस करना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर ये एक बार ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है और दोबारा एक बार नीचे आता है, तो हमारे जो लो हाई जो नीचे के टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो बहुत ही कम होगा, यानी कि आप 1:5 तक का भी रिस्क टू प्रॉफिट टेकन टेकिंग लेकर जा सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर, अगर ये आपको बाय चांस यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस करके 11,000 30,750 30,800 के आसपास अगर आपको रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाते हुए दिखता है। तो अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरीके का पैटर्न भी डेवलप हो रहा है पर्टिकुलरली, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और उस पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, जो कि मुझे फील होता है कि शायद आ सकता है वो पैटर्न। देख सकते हैं यहाँ से हमने एक मूवमेंट देखी, स्टॉक ऊपर गया, हमने देखा, ये देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली स्टॉक जो है वो यहाँ तक जा सकता है। अब इस लेवल तक कैसे जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक पर्टिकुलरली पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, इसकी हमने देखा है क्लोजिंग है, तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलरली यहाँ पर जा सकता है। कैसे जा सकता है, अब मैं इसका एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेता हूँ। फिबोनाची का यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बेस्ट यूज होता है फिबोनाची इन पर्टिकुलरली काइंड ऑफ पैटर्न्स के बारे में। ये पैटर्न्स भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब देख सकते हैं, मैं अगर नीचे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, तो एग्जैक्ट इसके लेवल के अंदर, यानी कि 30,300 30,250 के आसपास 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक बार यहाँ पर जा सकता है। अगर यहाँ से रिवर्स करता है और ऊपर बढ़ता है, तो ये एक परफेक्टली बुलिश साइफर पैटर्न होगा, और बुलिश साइफर पैटर्न के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार ये जा सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का बाय और सेल हमें कब लेना है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो गाइस शॉर्ट पोजीशन की सबसे पहले हम बात करेंगे, नोट कर लीजिए अगर आप अपने कॉपी पेन पे अपने के पास है तो नोट करिए। बैंक निफ्टी का शॉर्ट का लेवल, शॉर्ट आपको करना है जब ये 30,470 के नीचे जाता है। 30,470 के नीचे जाता है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, 30 मिनट्स कैंडल इज इम्पॉर्टेंट, उसको ध्यान रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। 30,470 के नीचे अगर ये क्लोज करता है, तो शॉर्ट करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 30,200 300 30,250, यानी कि आपको यहाँ से कम से कम से कम 200 पॉइंट या 250 पॉइंट आराम से मिल सकता है, जो कि मुझे लगता है आप आराम से कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो 470, यानी कि अराउंड 500 से भी अगर आप शॉर्ट करेंगे और 250 तक जाते हैं, तो 250 पॉइंट आप आराम से अर्न कर सकते हैं। दूसरी बात, स्टॉप लॉस जो आपका मेंटेन रहेगा, वो आपका मेंटेन रहेगा 30,640 पे। 200 पॉइंट का आपको एक, आपको कम से कम एक 100 पॉइंट का पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और आपको 200 से 250 पॉइंट तक का एक टारगेट मिल सकता है, यानी कि 1:2 1:2.5 का आपको एक प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरी बात, आपको बाय कब करना है,
बाय आपको करना है जब ये आपको 30,623 के ऊपर 30 मिनट्स के ऊपर क्लोजिंग देता है। नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी उसके ऊपर हम देखेंगे कि वो कैंडल किस तरीके से बिहेवियर कर रही है। अगर वो 30,623 यानी कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर जाती है तब हम अपनी एक बाय पोजीशन बनाएंगे फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 30,750 और सेकेंड टारगेट 30,800 जो कि मैंने आपको बताया ये लाइन है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब आपको क्या करना है, अगर आपने ये नोट कर भी लिया है तो आप अगर आप चार्ट्स में इसको देखना चाहते हैं तो फिबोनाची अपना ओपन करिए, सेटिंग्स पर जाइए, अगर आपके पास जीरोधा है अपना 78.6% का रिट्रेसमेंट जो परसेंटेज है उसे टिक करिए और उसके बाद बॉटम से लेकर इस बॉटम से लेकर अर्ली चार्ट ओपन करके इस बॉटम से लेकर टॉप तक एक फिबोनाची बना लीजिएगा तो आप आराम से चार्ट्स पे देख सकते हैं कब हमें बाय या कब हमें शॉर्ट करना है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, बाय करना है 30,630 के ऊपर, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 30,500, टारगेट आपका रहेगा 30,750, 30,800, शॉर्ट करना है आपको 30,470 के नीचे, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 30,600 और टारगेट आपके 30,300 टू 30,250 के रह सकते हैं। कल मार्केट की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है तो मार्केट एक थोड़ा हम कह सकते हैं कि ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा पर्टिकुलर इन सेगमेंट्स को और ऑल द बेस्ट। और मैं यही चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलरली मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए हैं साइड बाय साइड, जो मैंने आपको पर्टिकुलरली 5 स्टॉक्स बताए हैं उन पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो और आप ध्यान से इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पर ट्रेड करिएगा। और ये लेवल्स जो हैं बैंक निफ्टी निफ्टी के कल सुबह आपको टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड डीलर्स पे प्रोवाइड हो जाएंगे तो जाके फॉलो कर सकते हैं। ट्रेड डीलर्स का आपको यहाँ पर चैनल दिख रहा है ट्रेड डीलर्स, जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको दिख जाएगा। और जो मैंने आपको लेवल्स बता रखे हैं 5 स्टॉक्स के वो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सुबह 8 या 8:30 बजे के करीब देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाके ट्रेड ले सकते हैं। और गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने दिवाली ऑफर के बारे में, जो मैंने आपको पहले बताया था उसके बाद से ही मैं शायद वीडियोस नहीं बना पा रहा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं आपको एक वीकली शॉर्ट टर्म कॉल्स भी प्रोवाइड कराया करूँगा, उस वही मैं अपने क्लाइंट्स को भी कॉल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल RBL बैंक था जो मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय करवाया है, SBI, और गाइज ये पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए अकॉर्डिंगली टू सर्विस सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, या मैं प्रेफरेबल रहूँगा कि अगर आप मुझे मेल भेजेंगे मैं कॉल पे अटेंड नहीं कर पाऊँगा, या व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस भेज सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं, मैं कॉल पे ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा।